सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर कल शाम धारदार हथियार से हमला किया गया है और इस हमले में दो जवान घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शाम 7 बजे के करीब धार्मिक नारे लगाते हुए एक आदमी मंदिर परिसर में घुस गया था। गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही गोरक्षपीठ के महंत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आवास भी है। आरोपी का नाम मोहम्मद मुर्तजा बताया जा रहा है। वो गोरखपुर के सिविल लाइन्स का ही रहने वाला है। हमलावर केमिकल इंजीनियर है और उसने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है और वो परिवार के साथ मुंबई में ही रहता था। अक्टूबर 2020 में वो गोरखपुर आकर रहने लगा था। पुलिस ने इसके पास से लैपटॉप, पैन कार्ड और मुंबई की फ्लाइट का टिकट बरामद किया। इस घटना के बाद गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। यहाँ बम निरोधक दस्ता स्थायी तौर पर तैनात है और इसके अलावा सुरक्षा में एक प्लाटून पीएसी बल भी तैनात है। वही 875 पुलिस और सुरक्षा के लोग भी तैनात है। इनके अलावा मंदिर के गेट पर स्कैनर लगा हुआ है। जांच के बाद ही यहाँ प्रवेश मिलता है। सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ हर समय 9 वॉच टावर से निगरानी होती है। हालांकि इनकी संख्या बढ़ाकर 14 की जानी है। वही टावर पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी आधुनिक असलहों से लैस किया गया है। साथ ही मंदिर परिसर व उसके आसपास 100 CCTV कैमरे 24 घंटे निगरानी करते हैं। और यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, आखिर गोरखपुर मंदिर में यह हमला क्यों, क्या मंशा, क्या अब सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है? देखिए, अभी इस पूरे मामले को लेकर अब एटीएस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एटीएस के एसपी अभिषेक सिंह है, वो खुद पहुंच रहे हैं और कई सारी टीमें गठित की गई हैं। दरअसल इस लड़के के पास से जो हमलावर है ये केमिकल इंजीनियर है और इसके पास से जो भी अभी बरामद हुए हैं, कई सारे ऐसे साहित्य भी बरामद हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा हुआ था और इसकी वजह से अभी एटीएस की टीम ने इस पर बाकी पूछताछ भी कर रही है। हालांकि ये भी घायल है, इसके साथ ही कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है और इससे अभी पूछताछ करके इसके मोबाइल फोन से भी कई सारे डाटा लिए गए हैं और इंडिगो की फ्लाइट का भी टिकट मिला है। और ये भी माना जा रहा है कि ये सिर्फ अकेले ही नहीं, इसको इस तरीके से इस स्थिति में लाने के लिए ब्रेन वॉश भी किया गया, इसको कई लोगों ने इसमें पीछे भी शामिल है, तो अब उनकी भी भूमिका तय की जा रही है और जल्द ही इस मामले में पूरा खुलासा हो सकेगा कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। कई टीमें करीब आधा दर्जन जिलों में रवाना की गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, हालांकि जांच भी इस मामले को लेकर जारी है।